Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. रहा है कि आपकी बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात शुरू हो गई है कि दिल्ली में कहा जा रहा है बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात। आखिरी बार मुलाकात कब हुई थी? ऐसा तो नहीं कि अरविंद को ही आपने अपना दूत बना करके भेजा हो और बातें हो रही हुई। ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर चर्चा में। इस बार चर्चा का विषय बड़ा ही हैरान करने वाला है। दरअसल हुआ यूं कि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जाने लगा कि होली के दिन सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि करीब एक घंटे चली मुलाकात में केंद्रीय मंत्री और यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, भाजपा के संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी वहां मौजूद रहे। अब क्योंकि ओपी राजभर ने 2022 का विधानसभा चुनाव सपा के साथ गठबंधन करके लड़ा था, ऐसे में शाह के साथ उनके इस मुलाकात से सियासी गलियारे में चर्चा शुरू होगी। हालांकि इस मुद्दे पर जब बात ओम प्रकाश राजभर से हुई तो उन्होंने साफ कह दिया कि भैया वो सपा के साथ हैं और बने रहेंगे। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी खबरें आई क्यों, और अगर ये सच्ची हैं तो किसे कितना फायदा होगा और किसे नुकसान होगा। नमस्ते, मेरा नाम है गौरव कुमार पांडे और आप देख रहे हैं यूपी तक। सबसे पहले तो जानिए आखिर इतना जरूरी क्यों है ये मुद्दा जिसको लेकर चर्चाएं तेज है। दरअसल सियासी जानकारों का कहना है कि बीजेपी और ओपी राजभर दोनों एक दूसरे की जरूरत है। अब क्योंकि पूर्वांचल क्षेत्र में लोकसभा की करीब 26 सीटें ऐसी हैं जहां राजभर समाज का प्रभाव है, वहीं 14 लोकसभा सीटें तो ऐसी हैं जहां पर राजभर समाज का वोट नतीजों पर निर्णायक रहता है। ऐसे में यह भाजपा के लिए 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अहम है। 2017 के विधानसभा चुनाव में राजभर ने भाजपा के साथ रहकर विधानसभा का चुनाव लड़ा था। हालांकि बीच में ही राजभर का मन बदला और वो भाजपा से अलग हो गए। इसके बाद 2022 में राजभर ने सपा के साथ चुनाव लड़ा था, इसमें 6 सीटों पर जीत हासिल की है। वैसे यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि ऐसी बातें अगर हो भी रही हैं और अगर अमित शाह से बातचीत चल रही है तो क्या अमित शाह इतनी आसानी से मान जाएंगे, पुरानी बातों को भूल जाएंगे? क्योंकि भैया आपको बता दें कि पूर्वांचल के कई जिलों में राजभर समुदाय का वोट राजनीतिक समीकरण बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर का यूपी के पूर्वांचल क्षेत्र की राजनीति में दबदबा है। 2022 के चुनाव में जहां एक तरफ भाजपा पश्चिम से लेकर अवध तक मजबूत नजर आई, वहीं पूर्वांचल के 4 जिलों में भाजपा का खाता तक नहीं खुला। गाजीपुर, अंबेडकर नगर, मऊ, बलिया, जौनपुर, आजमगढ़ में भाजपा का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। इसके बाद भाजपा अभी से लोकसभा चुनाव को लेकर जुट गई है। अब भाजपा अभी चाहती है कि ओम प्रकाश राजभर उनके साथ आ जाएं। यूपी में राजभर समुदाय की आबादी करीब 3% है, लेकिन पूर्वांचल के जिलों में राजभर मतदाताओं की संख्या 12-22% है। गाजीपुर, चंदौली, मऊ, बलिया, देवरिया, आजमगढ़, लालगंज, अम्बेडकर नगर, मछली शहर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और भदोही में इनकी अच्छी खासी आबादी है, जो सूबे की करीब 4 दर्जन विधानसभा सीटों पर असर रखते हैं। इसका असर 2022 के चुनाव में दिखाई भी पड़ा है। अब यहां से जानिए कि आखिर राजभर ने इन सभी अटकलों पर क्या कुछ कहा। चर्चा है कि ओम प्रकाश राजभर की बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत हुई है। ये चर्चा कितनी सच है, हमारे साथ बात करने के लिए ओम प्रकाश राजभर खुद ही हैं। सर, कहा जा रहा है कि आपकी बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात शुरू हो गई है, ये खबर निराधार है, ऐसा कुछ नहीं है। हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं, हम लोग स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी में लगे हैं। 28 तारीख को हमारी विधानसभा में माननीय अखिलेश यादव जी का कार्यक्रम एक लगा हुआ है, उद्घाटन का, मूर्ति अनावरण का, उसकी तैयारी में है। हम लोग विधानसभा और समीक्षा कर रहे हैं, नेताओं को लगा करके करा भी रहे हैं, हम लोग 24 की तैयारी में हैं। आपकी दिल्ली में कहा जा रहा है बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात, आखिरी बार मुलाकात कब हुई थी? 2019 के पहले। तब से किसी से मुलाकात नहीं? तब से किसी से मुलाकात। आप दिल्ली कब गए थे आखिरी बार? दिल्ली वही गए थे जब इस्तीफा देना था, तब से दिल्ली नहीं। दिल्ली तब से गए ही नहीं। अरविंद चला जाता है, अरविंद अपना निर्वाचन का काम वही देखता रहता है, हमको फुर्सत रहती है, हम क्षेत्र में रहते हैं। ऐसा तो नहीं कि अरविंद को ही आपने अपना दूत बना करके भेजा हो और बातें हो रही हो, ये कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर? चर्चा तो ओम प्रकाश राजभर की आ रही है, अब दूत की कहां से आ गई? नहीं, ओम प्रकाश राजभर बड़े नेताओं से मिले और ये बताया जा रहा है कि अब आप शपथ ग्रहण समा। अभी आप दो बात कर रहे हैं, दूध बना के भेजिए तो फिर ओम प्रकाश राजभर कहां से आ गए? आपके पूरी पार्टी का ये हो रहा है कि बीजेपी से शामिल होने, गठबंधन में शामिल होने? नहीं, हमारी पार्टी का एक भी सिंगल नेता अभी तक मेरे यहाँ फोन नहीं किया, ना हमारा वोटर फोन किया, क्योंकि उसको विश्वास है कि हमारा नेता
जो भी लड़ाई लड़ रहा है मेरे लिए लड़ रहा है, हम नेता के साथ हैं, वो हमारे ऊपर विश्वास करता है। इस नाते मुझे बड़ी खुशी किस बात की है कि तमाम दूसरे दलों के और सहयोगी साथियों के, हमारे मित्रों के फोन जरूर आए, लेकिन हमारी पार्टी का कोई नेता फोन करके ये नहीं पूछा कि ये खबर चल रही इसमें क्या है। तो यहाँ आपने सुना कि ओम प्रकाश राजभर क्या कह रहे हैं, अगर ये वाली बात और दूसरी वाली बात, इससे पहले जो बात चल रही थी कि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अमित शाह से मुलाकात हुई है, पूर्वांचल वाला हिस्सा जो है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, क्या अगर वो बातें सच्ची हैं तो कहीं ना कहीं अमित शाह जरूर चाहेंगे कि पूर्वांचल में ओपी राजभर के साथ जो है बातचीत बैठ जाए, दोबारा वो बीजेपी से आ जाए। बाकी ऐसी तमाम और भी खबरों को जानने के लिए, बाकी अपडेट्स को पढ़ने के लिए पढ़िए यूपी तक की वेबसाइट, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, और तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।